ओके जी, आज हमें फर्दर जो है प्रोडक्ट हंटिंग को ही लेकर चलना है. सो मैं अमेजोन डॉट कॉम ओपन कर रही हूँ एंड फर्स्टली आई एम गोइंग टू चेंज लाइक जो इसका जिप कोड है उसको मैं चेंज करूँगी और डिफरेंट प्रोडक्ट्स को हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे अप्लाई करके देन कंटिन्यू कर देना है. और यहाँ पर मैं कुछ वेबसाइट्स ओपन करती हूँ, जैसे बिग लॉट्स है, इसको मैं ओपन करती हूँ. ये एक वेबसाइट है जहाँ पर हम डील्स को देख सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर मैं biglots.com पर जाऊँगी और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 15%, 25% इस तरह से ऑफ भी चल रहा है डिफरेंट आइटम्स पर. सो फर्स्टली हम कुछ डील्स को देख लेते हैं. यहाँ पर डील्स पर क्लिक करके नाउ यू कैन सी के इन सम ऑफ द प्रोडक्ट्स कुछ अंडर 5% है. बहुत छोटी आइटम्स पे हमें नहीं जाना, हमने कोशिश करनी है कि ऐसी प्रोडक्ट्स की सिलेक्शन करें जिसकी प्राइस कम से कम भी $20 के राउंड अबाउट हो, 20+ हो, ताकि इसमें मार्जिन आपके पास अच्छे बच जाते हैं. अगर आप यहीं पर प्रोडक्ट की प्राइस कम देखोगे तो ऑब्वियसली उसकी सेलिंग प्राइस भी कम होगी और उसमें फिर प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छे नहीं होते. ठीक है, तो फर्स्टली हम फर्स्टली हम देखते हैं यहाँ पर डिफरेंट आइटम्स को. यहाँ पर देखिएगा, जैसे मैं फूड डील्स को भी फिलहाल ओपन कर लेती हूँ और हम देखते हैं कि फूड डील्स में क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं. आप यहाँ पर देखोगे कि कितने परसेंट यहाँ पर डिस्काउंट हमें मिल रहा है. लाइक यहाँ पर 7.79 की प्रोडक्ट मिल रही है. इन द सेम वे ये 7.79, 5.99, 7.29, लाइक डिफरेंट प्राइसेस में डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल. ठीक है, अब इसके लिए आप क्या करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है 3 for $10, इसको मैं ओपन करती हूँ. इस प्रोडक्ट को, इसकी डिटेल को हम चेक करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ऑब्वियसली ये किस तरह से इसकी जो प्राइस वगैरह है वो किस तरह से है. अब यहाँ पर आ रहा है 3 for फन साइज कैंडी. ठीक है, ये मतलब इसकी प्रोडक्ट यहाँ पर आ रही है हमारे पास. अब मैं क्या करूँगी, इस प्रोडक्ट का यहाँ से टाइटल गूगल सर्च करूँगी. ठीक है, और यहाँ पर आकर हम अमेजोन पर देखेंगे अगर ये प्रोडक्ट अवेलेबल है. तो देखो, अगर अमेजोन पर ये प्रोडक्ट अवेलेबल होती तो यहाँ पर amazon.com नज़र आता. ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, सो दैट इज़ वाई आई एम गोइंग बैक. और कैटेगरी भी हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि फूड आइटम्स हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि अवॉइड करें सेल आउट करने के लिए. उसकी रीज़न ये है कि इनकी एक्सपायरी डेट्स भी होती हैं. इसमें थोड़ा सा भी अगर प्रॉब्लम हो तो फूड सिक्योरिटी की वजह से अमेजोन आपकी मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट करता है. सो हम डायरेक्टली यहाँ से कुछ आइटम्स ओपन करते हैं. सो मैं स्क्रॉल डाउन करती जा रही हूँ बट आई एम इन सर्च ऑफ सच प्रोडक्ट्स के हमें ऐसी प्रोडक्ट मिल जाए जिसमें आप समझ लो कि जिसकी डायमेंशन और वेट ज़रा कम हो. ठीक है, तो एक दफ़ा ये लोड हो जाए देन हम देखते हैं कि विच वन प्रोडक्ट वी आर गोइंग टू ओपन. और ये वीकली डील्स हैं. ठीक है, ये क्लियरेंस डील ही से कहते हैं, तो वो भी हम डायरेक्टली देख सकते हैं. इसके अलावा देखो तकरीबन 12,000 आइटम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं. हम इसकी फिल्टर लगा सकते हैं, हमें वो आइटम सिर्फ नजर आए जिसकी शिपिंग अवेलेबल हो. सो हम देख लेते हैं. नेट थोड़ा स्लो है, लेट मी चेक इन द नेट फर्स्ट, फिर हम स्टार्ट करते हैं. बैठ जाना. जी, बस एक मिनट कीजिए. जी, अब मैंने ना टॉयज की कैटेगरी ओपन की है और यहाँ से हम डिफरेंट टॉयज को देखेंगे कि अगर हम डिफरेंट टॉयज को सर्च करें तो मैं इनको अलग अलग टैब्स में ओपन करती हूँ और इसको फिर हम देखते हैं कि इसमें किस किस टाइप की प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं. इसमें हंटिंग का इसी तरह का मेथड है. अगर आप मैनुअल सर्चिंग करते हो देखो 214 आइटम्स आर देयर और यहाँ पर अगर आप देखो 146 आइटम्स हैं, यहाँ पर 109 आइटम्स हैं. अब हमने इन आइटम्स को थॉरली सर्च करना है
और देखना है कि अगर सेम प्रोडक्ट्स जो हैं अमेजोन पर अगर अवेलेबल हैं तो ओब्वियसली वी विल फाइंड द क्राइटेरिया लेटर ऑन। सबसे पहले हमें तो ये देखना है कि ये जो प्रोडक्ट है ये सेम टू सेम अमेजोन पर मौजूद है या नहीं, और हमने थोड़ा इसमें प्रॉफिट मार्जिन को देखना है कि हमें कुछ बच भी रहा है या नहीं, ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है फर्स्टली। उसके बाद फिर हम क्राइटेरिया थॉरेली देखेंगे कि ये हमारी एक्सपेक्टेशन हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है, ये सारी चीज़ों को हमें देखना है। अभी ये लोड हो जाए तक इसकी पिक्चर्स आ जाए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब ये स्टफ टॉयज है हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं इस तरीके से, तो डिफरेंट लाइक स्टफ टॉयज अवेलेबल है यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ आइटम्स इस टाइप की अवेलेबल है। अब फॉर एग्जांपल ये वाली प्रोडक्ट है, इसका मैं यहाँ से टाइटल कॉपी करके इसको गूगल सर्च करूँगी, ठीक है, और गूगल सर्च करके हमें देखना है, ये देखो ये अमेजोन पे प्रोडक्ट मौजूद है। अब अगर इस प्रोडक्ट को देखो तो अमेजोन इसे इटसेल्फ सेल कर रहे हैं और 71 अदर सेलर्स हैं जो कि इस प्रोडक्ट को सेम प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए FBM और FBA सेलर दोनों मिक्स हैं, ठीक है, ज्यादातर न्यू सेलर हैं और कुछ ओल्ड सेलर भी होंगे ऑब्वियसली जो कि यूज प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं। सो यू कैन सी कि इसकी जो प्रोडक्ट है इसकी प्राइस 8.61 है, और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 11.99 है, विच इज शोइंग के ये प्रोडक्ट हमारे लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है, हालांकि ये अमेजोन पे मौजूद है लेकिन क्योंकि ये डील में सस्ती नहीं मिल रही हमें, तो हमें देखना है कि प्रोडक्ट सस्ती होनी चाहिए। अब ये लेगो का एक है प्रोडक्ट, इसको अब हम सर्च कर लेते हैं। अब ये बिग लोड पर आ रहे हैं और ये अमेजोन पर आ रहा है, ठीक है, अब अमेजोन पर इसकी प्राइस सबसे पहले हमने देखनी है, ठीक है, अमेजोन सेल आउट करें 1999 में और अदर सेलर्स को अब हमने देखना है कि वो कितने में सेल करें, वो भी 1999 में, और यहाँ पर भी वही प्राइस है, तो इसका मतलब है कि कोई यहाँ पर सेल नहीं है सच इन प्रोडक्ट्स के ऊपर। ये चीज हो गई। अब एक मिनट दीजिएगा, मैं एक प्रोडक्ट आपके सामने खोलती हूँ वो भी यहीं से ही है, सो बस एक मिनट दीजिएगा मैं प्रोडक्ट ओपन। जी, एक प्रोडक्ट है ये, मैंने बिग लॉट पर ही ओपन की है। अब अगर मैं इस प्रोडक्ट की टाइटल को सर्च करूँ और अमेजोन पे सर्च कर लेते हैं कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है, अब ये 3 पैक का पूल आ रहा है यहाँ पर, और समर वेव्स टाइप AC पूल फिल्टर कार्ट्रिज है, ठीक है। नाउ अब हम देख लेते हैं यहाँ पर 27 सेलर्स हैं विच आर सेलिंग इन 1881, सो 1881 में हम या 1880 में हम इसकी प्राइस कंसीडर कर लेते हैं, एंड यहाँ पर हमें ये 3.7 ईच मिल रहा है, ठीक है, और ये पैक ऑफ थ्री नहीं, सॉरी ये 3 पैक ही है, यहाँ पर 3 पैक आपको 3.75 का मिल रहा है, ठीक है। अब मैं आपको कैलकुलेटर यहाँ पर शो करती हूँ और आपको मैं थोड़ी कैलकुलेशन बता देती हूँ और उसी के मुताबिक फिर हम फर्दर जाते हैं। अच्छा, ये कैलकुलेटर मैंने ऑन किया है, अब आप देखो कि सेल आउट हो रहा है 1880 में, ठीक है, 1880। अब रेफरल फी अमेजोन की होती है, कमीशन होता है अमेजोन का, जो समझ लो कि मतलब अमेजोन अपने मतलब प्लेटफॉर्म से कस्टमर को लेने के लिए आपसे कमीशन चार्ज करता है, विच इज यूजली 15%, ठीक है, लेकिन कैटेगरी वाइज ये वेरी करता है। कैलकुलेशन के बाद मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ कि आप कहाँ से देख सकते हो कि किस कैटेगरी में मतलब कितनी अमेजोन रेफरल फी चार्ज कर रहा है, ठीक है। सो 18.8 मल्टीप्लाई बाय 15%, ठीक है, 15%, तो ये तकरीबन आपके पास हो गया 2.82 अमेजोन की फी हो गई रेफरल फी, ठीक है, प्लस इसके साथ $4 तकरीबन इस प्रोडक्ट की शिपिंग पड़ेगी हमें, और तकरीबन आप समझ लो कि $2.5 इसकी पैकेजिंग पर खर्चा आएगा, आपकी प्रेप का लेबलिंग का जो है वो एक्सपेंस आएगा, तो इसके साथ मैं प्लस 6.5 कर देती हूँ, ठीक है, ये मेरे पास टोटल कॉस्ट आ रही है प्रोडक्ट की, ठीक है, इसमें मैं अब प्रोडक्ट की कॉस्ट ऐड कर देती हूँ 3.75, ठीक है, 13.07। अब टोटल हम लोग इसको सेल आउट कर रहे हैं $18.8 में, ठीक है, 18.8 माइनस 13.7, सो हमारे पास जो प्रॉफिट मार्जिन है तकरीबन वो $5.1 का है इस प्रोडक्ट में। तो ये तरीका कार है जिसके थ्रू हम मतलब इसकी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। बाकी
एक प्रोडक्ट हंटिंग की शीट है, वो अभी मैं आपके सामने शो करती हूँ, और उसमें हम फिर इस प्रोडक्ट को फिलअप करते हैं। लेकिन अभी हम क्राइटेरिया इसका एक दफा देख लेंगे। देखिए, फर्स्टली इसकी रिव्यू रेटिंग दोनों जबरदस्त हैं, सेलर हमारे 3+ होने चाहिए, और इसमें 27 सेलर हैं, विच इज आल्सो गुड। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, मैं फर्दर स्क्रॉल डाउन करती हूँ। नाउ यू कैन सी कि इसका वेट भी बहुत कम है, सिर्फ 13.4 ओज है, विच इज लेस देन 1 पाउंड। और अगर यहाँ पर देखा जाए, इसका सेल्स रैंक भी ठीक है, बिकॉज हम 50,000 तक ऑलमोस्ट ले सकते हैं। अगर हम इस प्रोडक्ट की सेल्स एस्टिमेशन करना चाहें, तो सेल्स एस्टिमेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं FBA टूलकिट। अच्छा, कैलकुलेटर भी, पहले मैं सेल्स एस्टिमेशन बता दूं, फिर आपको कैलकुलेटर भी बताती हूँ। FBAToolkit.com के नाम से है हमारे पास एक, उसको मैं सर्च करूंगी। और यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम यहाँ पर कैटेगरी देख लेते हैं, ये है पैश्यू लॉन एंड गार्डन, और यहाँ से मैं सेल्स रैंक को कॉपी कर लेती हूँ। और यहाँ पर हम आएंगे और FBA टूलकिट में, और हम सेम कैटेगरी यहाँ पर देखेंगे, पैश्यू लॉन एंड गार्डन। ठीक है, और ये पैश्यू लॉन एंड गार्डन आ गया। इसके नीचे यहाँ पर हम सेल्स रैंक को एंटर करेंगे, देन वी विल प्रेस द बटन ऑफ गो, और हम देख सकते हैं कि यूजली इसके 6 आइटम्स पर डे सेल होते हैं, और अगर पर मंथ देखा जाए तो 180 यूनिट्स ऑलमोस्ट इसके सेल होते हैं, 180 या 210 के राउंड अबाउट इसके ना यूनिट सेल आउट होते हैं। तो इसका मतलब है कि इसकी सेलिंग तो थोड़ी सी स्लो है, लेकिन प्रोडक्ट अच्छी है, मार्जिन भी ठीक है इस प्रोडक्ट में। अच्छा, इसके अलावा कुछ एक्सटेंशंस हैं, वो भी मैं आपको इंस्टॉल करवाती हूँ, ताकि आप क्विकली प्रोडक्ट हंटिंग कर सको। थोड़ा वो इस मतलब मेरे भी यहाँ पर इंस्टॉल नहीं हुई, तो मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि एक कैलकुलेटर है, FBA कैलकुलेटर, ठीक है, आप उसको यूज कर सकते हो यहाँ पर। और ये सेलर सेंट्रल डॉट अमेजोन डॉट कॉम प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे एंड देन कंटिन्यू एज गेस्ट, एंड देन यू नीड टू पुट, यहाँ पर आप ASIN नंबर इस प्रोडक्ट का पुट करोगे। यहाँ से भी ASIN कॉपी कर सकते हो, स्क्रॉल डाउन करके बॉटम से भी ले सकते हो। अच्छा, अब ये ASIN आपने यहाँ पर पुट कर देना और सर्च के बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक ये प्रोडक्ट रिट्रीव कर लेगा। इसकी डायमेंशन और वेट देखिए आ रहा है, विच इज लेस देन 1 पाउंड। अब अगर FBM करना है, तो आपने ये वाला कॉलम यूज करना है, अगर आपने FBA करना है तो ये वाला कॉलम यूज करना है। अब आइटम की प्राइस जो आप कस्टमर से चार्ज करोगे वो 18.8 है। ठीक है, कस्टमर से हम शिपिंग चार्ज नहीं करेंगे। अच्छा, अब कॉस्ट ऑफ सेलर फुलफिलमेंट, आप यहाँ पर अपनी कॉस्ट डालोगे, 2.5 पैकेजिंग की है, और शिप टू कस्टमर के लिए आपको $4 रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये हमने 6.5 यहाँ पर एंटर कर दी। उसके बाद स्टोरेज कॉस्ट हमें कोई नहीं पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट हमें 3.75 है। ठीक है, ये मैंने एंटर किया, और यहाँ पर जस्ट मैं कैलकुलेट पर क्लिक करूंगी। अभी इसमें वो मांग रहे हैं, मैं साइन इन कर लेती हूँ फिर बाद। ये मैंने सेलर अकाउंट के साथ उसको लॉग इन किया है, क्योंकि वो मांग रहा था। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें कि दोबारा से ASIN डालते हैं और सर्च कर लेते हैं जरा, ये आइटम है। अब मैं यहाँ पर दोबारा से इसकी प्राइस एंटर करूंगी, ठीक है, 18.8, और उसके बाद यहाँ पर मैं एंटर कर लेती हूँ 2.5, सॉरी पैकेजिंग मटेरियल में आ रहा था 2.5, और शिप टू कस्टमर में हमारा है $4। उसके बाद जो हमें इसकी कॉस्ट आ रही है 3.75 आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे कैलकुलेट पर क्लिक करना है। तो तकरीबन 5.73 डॉलर्स इसमें बच रहे हैं, और 30.48% इसकी तकरीबन नेट प्रॉफिट मार्जिन है। ठीक है, ये सिंगल आइटम के लिए, 1 पीस के लिए है। अगर मैं इसके 10 पीस यानी कि खरीदती हूँ, तो आप
हम उसी हिसाब से इसकी जो प्राइस और बाकी सारी चीजें हैं वो यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अभी हम वन आइटम सिंगल आइटम के हिसाब से इसको लिस्ट करते हैं कि 5.73 डॉलर्स हमें यहाँ पर नेट प्रॉफिट आएगा अगर हम इस प्रोडक्ट को FBM करते हैं, ठीक है। और अगर FBA करते हैं तो उसका भी हम मार्जिन यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं कि मैं 18.80 एंटर कर दूँ यहाँ पर और देन मैं कैलकुलेट पर दोबारा से क्लिक करती हूँ तो FBA में इसका प्रॉफिट मार्जिन कंपैरेटिवली लो आ रहा है, 26.01% आ रहा है। और इसमें आपको एडिशनल एक चीज आप यहाँ पर एंटर नहीं कर रहे FBA के केस में, वो भी यहाँ पर आनी है जिसमें प्रेप सर्विस है। यहाँ पर प्रेप सर्विस एंटर नहीं हुई है, सिर्फ फुलफिलमेंट फी है यहाँ पर कि आप अमेजोन की सर्विस को यूज कर रहे हो फुलफिलमेंट के लिए तो वो यहाँ पर है, बाकी सारी कॉस्ट इसमें शामिल है। लेकिन FBM में आपने सारी कॉस्ट एग्जैक्टली एंटर की है और यहाँ पर आपको 3.48% 30.48% जो है वो प्रॉफिट आ रहा है। ये प्रॉफिट की कैलकुलेशन है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब ऐसे करते हैं कुछ एक्सटेंशन है उन्हें हम इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले एक एक्सटेंशन है, आप उसको इंस्टॉल कर लो, उससे आपको फायदा होगा काफी, ग्रेवले प्रोडक्ट सर्च टूल है, ठीक है, इसको मैं सर्च कर लेती हूँ। अब ये है हमारे पास, इसको मैंने ऐड टू क्रोम कर लेना है, ऐड एक्सटेंशन करना है एंड देन यहाँ पर मेरे पास इसकी एक्सटेंशन अभी शो हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए ये एक्सटेंशन शो हुई है, इसको मैंने पिन कर लिया यहाँ से। अच्छा, अब एक और एक्सटेंशन है जो कि आप कर लीजिएगा, उससे मतलब आपको काफी फायदा होगा, प्राइस ब्लिंक के नाम से है। ये एक्सटेंशन आप इंस्टॉल करेंगी तो इसमें काफी आपको फायदा है। एक मिनट बैक जाते हैं, हमें इसकी एक्सटेंशन चाहिए ये वाली, ठीक है, इसको भी ऐड टू क्रोम कर लें, ऐड एक्सटेंशन कर लें और यहाँ से देखें ये बटन को क्लिक करें, प्राइस ब्लिंक को भी आप यहाँ पर इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। अब फर्दर जो हमें यहाँ पर चाहिए एक अमेजोन असिस्टेंट के नाम से है, इन सब का फिर मैं आपको इस्तेमाल बता देती हूँ कि इस्तेमाल क्या है। अमेजोन असिस्टेंट इसको भी आपने इंस्टॉल करना है, ठीक है। अच्छा ये नहीं, सॉरी, इसके साथ एक एक्सटेंशन लिख लेते हैं, ठीक इसको भी ऐड टू क्रोम कर लें, ऐड एक्सटेंशन कर लें, है, और यहाँ पर क्लिक करके इसको भी पिन कर लीजिएगा। अच्छा, अब देखिएगा इनके फायदे क्या है। अब मैं इसको रीलोड करती हूँ जरा और फिर आप देखिएगा कि ये कुछ ना कुछ हमें एडिशनल डेटा यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको भी हम देख लेंगे। इसको भी मैं बंद करती हूँ, इसको देखते हैं। अब आप देखो यहाँ पर एक ये वाला डाटा हमारे पास शो होना स्टार्ट हो गया। ये स्टार्टिंग में ही हमें बता देगा ये प्रोडक्ट का ASI है ना, ये ग्रेवले बता रहा है, ठीक है, ये प्रोडक्ट का सेल्स रैंक है, ये प्रोडक्ट के FB और FBM सेलर क्लियरली आपको यहाँ पर बता देगा। और अगर आप प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन डिटेल पर जाना चाहते हो, जस्ट आप एक क्लिक करो, आपको स्क्रोल डाउन नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक ये इस जगह पर ले जाएगा। इसका ये फायदा है, तो आपकी जो मतलब टाइम है वो थोड़ा बच जाता है और क्विक आप प्रोडक्ट्स को लाइक कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा जो अमेजोन असिस्टेंट है उसका काम ये है कि मतलब ये आपको ऐसी आइटम्स दिखाएगा, फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, मैं इसको रीलोड करती हूँ, अगर अमेजोन असिस्टेंट इसके ऊपर वर्क कर गया तो ठीक है। आपको फायदा क्या होगा कि ये प्रोडक्ट आपको बताएगा कि ये जो प्रोडक्ट है क्या ये अमेजोन पर मौजूद है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब देख लेते हैं दोबारा से इसको रीलोड करके अगर ये हमें यहाँ पर डेटा शो करते हैं, क्योंकि जब हम किसी साइट पर प्रोडक्ट को ओपन करेंगे ना, लेट से मैं कोई और ऐसे साइट ओपन करती हूँ यहाँ पर, यहाँ से आइटम का ही टाइटल मैं सर्च करती हूँ और देन मैं इसको यहाँ पर शो करूंगी, इसको गूगल सर्च करते हैं, किसी और वेबसाइट को खोलते हैं, क्योंकि आई थिंक ये बिगलोड पर नहीं चल रहा था, मैंने लास्ट टाइम भी इसको ऑब्जर्व किया था इस चीज को। ये देखो ये यहाँ पर आपको ना शो कर रहा होता है इस तरह से ब्लिंक यहाँ पर करके।
ये देखें, ये ब्लिंक करके हमारे पास आया, और ये बता रहे कि ना इसकी अमेजोन पर ये प्रोडक्ट मौजूद है, 4 पैक पे मौजूद है, और इसको आप अगर ऐड टू कार्ट करते हो ये इतने में मिल रहा है। अब यहाँ पर देखो 11.77 में 4 पैक आपको मिल रहा है यहाँ पर, और अमेजोन पे 4 पैक इसका 31.49 में सेल आउट हो रहा है, आप इसको भी चेक कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आपको ये देखो, अब ये प्राइस ब्लिंक यहाँ पर शो हो रहा है, ये कंपैरिजन कह रहा है ईबे पर आपको 9.95 प्लस शिपिंग के साथ जो है वो आपको प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो ये आपको अदर ऑप्शंस यहाँ पर दे देगा प्राइस ब्लिंक के, ये प्रोडक्ट किसी और जगह पर भी मौजूद है। सो इन तीनों एक्सटेंशंस के ये फायदे हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब मैं स्क्रीन स्टॉप कर रही हूँ आपको, जैसे मैंने एक प्रोडक्ट हंट करके दिखाई है, इसी तरह से आप एक प्रोडक्ट ओपन कीजिएगा और काइंडली उसकी खास तौर पे जो कैलकुलेशन है उसकी एक दफा मेरे सामने प्रैक्टिस कर लें, ताकि कैलकुलेशन जब आप खुद से करने लगे तो वो रॉन्ग ना हो। तो कैलकुलेशन अगर आप ठीक कर पाएंगी तो ऑब्वियसली आपकी जो प्रोडक्ट है वो आपके लिए फायदेमंद होगी। सो आई एम गोइंग टू स्टॉप माई स्क्रीन और आपको मैं अलाउ करती हूँ, देन यू नीड टू शेयर योर स्क्रीन और आप उसको एक दफा जो है ना यहाँ पर परफॉर्म करके चेक कर लें। जी, मैंने आपको अलाउ कर दिया। एक मिनट वेट कीजिएगा, मेरा थोड़ा सा इंटरनेट लैग कर रहा है। सॉरी, एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है। एक मिनट होल्ड ऑन ना। जी, नो प्रॉब्लम। जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और ये शीट है प्रोडक्ट हंटिंग की। तो आपने ये प्रोडक्ट हंटिंग इस तरह से फिलअप करनी है। अब आप यहाँ पर देखो कि फर्स्टली मैंने यहाँ पर एक ASIN फिलअप की है, यानी कि ASIN आपको कहाँ से मिलेगा वो मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ। ये प्रोडक्ट है लेट से, तो ये प्रोडक्ट का ASIN आपको यहाँ टॉप से भी मिल जाएगा। यहाँ से वो जो एक्सटेंशन हमने इंस्टॉल की है वो भी आपको यहाँ पर ASIN दे देगा, या आप बिल्कुल बॉटम पे स्क्रॉल डाउन करके भी ASIN ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट है ये बिग लॉट का लिंक है, ये उसी प्रोडक्ट का लिंक मैंने यहाँ पर फिलअप किया है। उसके बाद ये देखो ये इसका BSR है, सेल्स रैंक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें यहाँ पर इसकी ये सेलिंग प्राइस मैंने यहाँ पर फिल किया $19। लेट से मैं इसको 19 की बजाय, क्योंकि अब ये 18.8 तक जा रहा है, तो मैं इसको 18.8 कर देती हूँ। प्रोडक्ट 3.75 का मिल रहा है, शिपिंग और टैक्स मैंने 6.5 फिलअप कर दिया है, रेफरल फी 3.38 अमेजोन डिडक्ट कर रहे हैं, और 5.17 ऑलमोस्ट इसमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ये ऑटो कैलकुलेशन है, सिर्फ आपने सेलिंग प्राइस, प्रोडक्ट कॉस्ट और शिपिंग, ये तीन चीजें आपने फिलअप करनी है। ये भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी फॉर्मूले के थ्रू, और प्रॉफिट भी ऑटोमेटिक फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने शीट फिलअप करनी है, और ये शीट आप मुझे शेयर करेंगी। ये मैं आपको ग्रुप में शेयर कर देती हूँ ये वाली शीट, और आप इस तरीके से प्रोडक्ट हंटिंग करोगे। देखो यहाँ पर मजीद कितने अच्छे मार्जिन वाली प्रोडक्ट यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, मैं स्टॉप करती हूँ इस स्क्रीन को और आपको एक और वेबसाइट के थ्रू बता देती हूँ। ये मैंने आपको बिग लॉट्स के थ्रू बताई है, अब मैं आपको फर्दर बताती हूँ। एक और वेबसाइट है काफी, वो भी फेमस है, उसका नाम है वेब स्टोरेंट। ठीक है, वेब स्टोरेंट, स्टोर डॉट कॉम। ठीक है, वेब स्टोरेंट स्टोर, इसको मैं ओपन कर लेती हूँ। अच्छा, अब आप यहाँ पर देखें कि ये डिफरेंट हमारे पास यहाँ पर आइटम्स आ रही हैं, बिजनेस टाइप और ये वो, इस तरह से आइटम्स आ रही हैं। अब यहाँ पर आपने कोशिश करनी है कि यहाँ पर भी छोटी आइटम्स के ऊपर फोकस रखें, क्योंकि ऑब्वियसली ये रेस्टोरेंट स्टाइल प्रोडक्ट्स हैं, तो इसमें आइटम्स बड़ी भी हो सकती हैं, छोटी भी हो सकती हैं। तो आप स्टोरेज की आइटम्स देख सकते हो, स्मॉल वेयर्स देख सकते हो। ठीक है, टेबल टॉप्स एंड डिनर वेयर्स देख सकते हो, डिस्पोजिबल के वेट कम होंगे, डिस्पोजिबल्स को देख सकते हो आप। अब डिस्पोजिबल्स में वो पूछ रहे हैं कि आपको किस तरह की, फॉर एग्जांपल हमें पेपर वेयर चाहिए। ठीक है, हमने इसको ओपन कर लिया, यहाँ पर डिफरेंट जो है ना मतलब प्रोडक्ट्स इस तरह से ओपन होना स्टार्ट हो गई है। अब लेट्स से पर केस इसमें 1000 आइटम्स हैं। अब मैं इसके टाइटल को यहाँ से कॉपी करके गूगल सर्च करूंगी, प्रोसीजर विल रिमेन सेम। ठीक है, जो हमने लास्ट वीक किया है
वो प्रोडक्ट का प्रोसीजर और हमारा प्रोसीजर अब सेम ही रहेगा। अच्छा अब इसको ओपन करके देख लेते हैं कि क्या प्रोडक्ट सेम है। अच्छा ये इस टाइप की प्रोडक्ट आ रही है, और सोलो वाइड एसएसपी पेपर बोट केस केस ऑफ 1000 DI के भी। लेकिन अब हमने इसका ब्रांड और इसके फीचर्स वगैरह मैच करने हैं, ठीक है, इसके साथ यहाँ पर। अब इसको ओपन कर लेते हैं जरा, सो देट हम इसको चेक कर लें इजिली। अच्छा ये प्रोडक्ट है, ये वाली, ठीक है, लिड के साथ है, 12 वोज इसका साइज है। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर भी 12 वोज है और वाइट कलर का ही पेपर है, और 1000 काउंट्स ही है इसमें भी और उसमें भी। बाकी इसका मॉडल नंबर वगैरह अब हमें मैच करना है, तो यहाँ पर मॉडल नंबर वैसे आ रहा है हमारे पास 412WM 2015, ठीक है। अब हम यहाँ पर भी इसका भी मॉडल नंबर जो है वो चेक करेंगे और इसके रिव्यूज वगैरह भी पढ़ लेंगे एक दफा, ताकि हमें पता चल जाए कि प्रोडक्ट जो है वो सेम ही है या नहीं है, ठीक है। बाकी इसकी हर चीज को आपने डिटेल में यहाँ पर देखना है। ये कुछ यहाँ पर उसके फीचर्स बताए गए हैं, यहाँ पर फीचर्स बताए हैं, 12 वोज की पैकिंग है, रोल्ड रिम है, डिस्पोजिबल डिजाइन है। आपने प्रोडक्ट एज इट इज मैच करनी है बस, उसके बाद आपने इसके ये वाली प्रोडक्ट है ना, इसकी हाइट, बॉटम डायमीटर, ये वो कैपेसिटी, प्लेन है ये, पॉली कोटेड पेपर है, तो यहाँ पर ये चीजें अगर ब्रांड मतलब जिस तरह यहाँ पर मॉडल नंबर आ रहा है, अगर वो मॉडल नंबर यहाँ पर नहीं आ रहा, तो आप इस तरह से इसकी हर चीज को मैच कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखें, इस लिस्टिंग को कहते हैं सप्रेस लिस्टिंग। अगर सप्रेस लिस्टिंग हो तो फिर आपने थोड़ा अवॉइड करना है इस तरह के आइटम को सेल आउट करने से। उसकी रीजन ये कि हमेशा आपको लोएस्ट प्राइस पर सेल करनी पड़ेगी, और इस तरह में प्रोडक्ट में जो भी सेलर आता है वो हमेशा कम से कम प्राइस की तरफ ही जा रहा होता है, तो ये प्रॉब्लम आती है। अब यहाँ पर देखें, वैसे 5699 की प्रोडक्ट है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो 102 की बिक रही है, सेल आउट हो रही है, ठीक है। तो आप देख लो, अगर प्रोडक्ट बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है तो फिर आपने कैलकुलेशन इसकी कर लेनी है, ताकि आप देख सको कि इसमें कितना मार्जिन आ रहा है। या तो शीट में फिल कर लो, या फिर वो जिस तरह मैंने आपको FBA कैलकुलेटर कहा है, ठीक है, FBA कैलकुलेटर, इसको आप ओपन करो, सर्च करो, और इसमें जाकर भी आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हो। ASIN पहले यहाँ से कॉपी करके डालो, ठीक है। लेकिन आपने प्रोडक्ट देखना नहीं है, अभी मैंने ये चेक नहीं किया कि ये प्रोडक्ट एग्जैक्टली सेम है या नहीं है। अच्छा इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर आइटम की प्राइस एंटर करोगे। फॉर एग्जाम्पल आप भी 102 में सेल कर रहे हो, और यहाँ पर आप एंटर कर लो पैकेजिंग मटेरियल 2.5 का, और शिप टू कस्टमर। अभी हमने इसका वो नहीं देखा, वेट वगैरह कितना है, ठीक है, वेट हम देख लेते हैं। वैसे 12 पाउंड्स आ रहा है, लेकिन एज अ होल पैकेज का जो वेट है वो 1.19 पाउंड है, तो इसके लिए तकरीबन हमें कुछ $7 वो चार्ज करेगा, और शिपिंग, कोरियर सर्विस, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है हमारी यहाँ पर देख लेते हैं 56.99, ठीक है, 56.99। उसके बाद हम कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे, और $23 का तकरीबन प्रॉफिट आ रहा है, 22% इसका नेट मार्जिन है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसकी कैलकुलेशन कर लेनी है, तो ये तकरीबन अच्छी एस्टिमेशन दे देता है प्रॉफिट की, ये जो कैलकुलेटर मैंने अभी आपके सामने ओपन किया था। सो अब आपने क्या करना है कि इन दो वेबसाइट्स पर आपने वर्किंग करनी है, biglots.com और webstoreandstore.com, और इसी तरीके से आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, और जितनी प्रोडक्ट्स आप हंट कर लो, काइंडली फिल दोज प्रोडक्ट्स इन द शीट, और फिर वो शीट आप मुझे शेयर करना ग्रुप में, देन आई विल लाइक एक्सप्लेन यू कि आपने कहाँ पर मिस्टेक की है। सो इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? नहीं, इतना क्लियर है। चलें, दैट इज गुड। चलें जी, आप इस पर वर्किंग कीजिएगा, फिर इंशाल्लाह मैं आपकी कल क्लास अरेंज कर लेती हूँ, और आपको अमेजोन का अकाउंट क्रिएशन प्रोसेस बता देती हूँ, ठीक है। बाकी हंटिंग के भी बहुत सारे और मेथड्स हैं जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन करने हैं, सो मैं कोशिश करूंगी कि एक दिन में आपको दो साइट्स के बारे में बताया जाए, फिर कुछ टूल्स हैं उनको भी आपको मैंने यूज करना बताना है, लाइक कीपा है, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, सोर्स मुगल है, टेक्टिकल आर्बिट्राज है, इन सब को आपने कैसे यूटिलाइज करना है वो इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूंगी टाइम टू टाइम, ठीक है। उनके थ्रू भी प्रोडक्ट हंटिंग की जाती है,
बट देर आर सम इश्यूज इन यूजिंग दीज टूल, वो भी हम प्रोज एंड कॉन्स उसके दोनों डिस्कस कर लेंगे. और अभी यहाँ पे मैनुअल हंटिंग पर फोकस करें, बिकॉज मैनुअल हंटिंग से आपको प्रोडक्ट्स ज़्यादा अच्छी मिल जाती हैं एज कम्पेयर टू यूजिंग टूल्स. ठीक है, सो आप इस पर वर्किंग करें. इफ देर इज एनी इशू यू कैन आस्क इन द व्हाट्सएप ग्रुप. टेक ओके केयर, थैंक यू. ऑफिस.